हाउ विल यू जस्टिफाई दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो? वो कहेगा जी प्रूव करो रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो है, जब फोटोन मूव नहीं करेगा या उसका जो मास है तो वो जीरो क्यों है? तो आप ऐसा करेंगे, आइंस्टाइन की थ्योरी है, हमने मैग्नेटिक में भी की थी, उसने कहा था कि अगर किसी भी पार्टिकल का रेस्ट मास एम नॉट है और वो पार्टिकल मूव करता है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास क्या हो जाता है? एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम नॉट एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो ये रेस्ट मास आ गया, लेकिन फोटोन की स्पीड क्या होती है? सी। तो यहाँ पे सी पुट करेंगे तो वन आ जाएगा, वन में से वन के आंसर क्या आ गया? जीरो, तो आंसर जीरो। जैसे सपोज क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू अ वेवलेंथ ऑफ फोटोन आफ्टर इट कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन? तो आपने लिखना है कि जब एक फोटोन इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारता है तो फोटोन अपनी एनर्जी को लूज करता है, तो अ पार्ट ऑफ फोटोन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, क्योंकि एनर्जी लूज करता है तो फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाती है, फ्रिक्वेंसी कम होती है तो लैम्डा क्या हो जाता है उसका? ज़्यादा, तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, ये लिखना है, ठीक है? तो वेवलेंथ गेट्स इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है, व्हाई आर अल्कली मेटल मोस्ट सूटेड एज फोटोसेंसिटिव मेटल्स? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फोटोसेंसिटिव मेटल के लिए कौन सा मटीरियल ज़रूरी है, तो एक ही कंडीशन होती है, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम है इसलिए ये सूटेबल है, तो इसलिए कोई भी रेडिएशन का इलेक्ट्रॉन इसमें से एमिशन फोटोन जो एमिट करेगा, तो वर्क फंक्शन लेस है, लो वर्क फंक्शन, पर एक ही आंसर है। जैसे इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज? नो, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ही एक्सेप्टेबल है। आउट ऑफ माइक्रोवेव्स अल्ट्रा वायलेट रेज इंफ्रा, कौन सी रेडिएशन सूटेबल है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? तो जितने साइंटिस्ट लोगों ने काम किया था, मैंने बताया था यूवी रेज के साथ काम हुआ था हिस्ट्री में, तो यूवी रेज इसका आंसर है। तो क्योंकि यूवी रेज की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर देती है। नेक्स्ट है, कैन एक्सरे कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो हाँ, एक्सरे भी कर सकती है, लेकिन मटीरियल क्या चाहिए वो डिपेंड करता है, जिसका वर्क फंक्शन एक्सरे की फ्रिक्वेंसी से कम है ऑब्वियसली वो जिंक या कॉपर या सोडियम टाइप है। नेक्स्ट है, अल्ट्रा वायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन टू फोटो सेंसिटिव मेटल्स हैविंग वर्क फंक्शन W1 एंड W2, इन विच केस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बी ग्रेटर? तो ये बताओ, हमने आइंस्टाइन की थ्योरी की थी, वो क्या एच न्यू किसके इक्वल था? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन के इक्वल है। फोटोन की एनर्जी दोनों में चेंज नहीं हो रही, जिस भी मटेरियल का वर्क फंक्शन ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? कम है। तो जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, तो ये आंसर लिखना है आपने। डज स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी? लास्ट टाइम किया था, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता था, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड नहीं करता। फोटोन की जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। और सेकेंड है, क्या ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? हाँ, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, टू बीम्स वन ऑफ रेड लाइट, ये क्वेश्चन बहुत आता है इस टाइप का, वन ऑफ रेड लाइट एंड अदर ब्लू लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन सेम है, आर इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो दो कलर्स की रेडिएशंस की, विच वन ऑफ द टू बीम एमिट इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? अब ये देखना पड़ेगा कि अब दो बीम्स हैं और एक ब्लू कलर है और एक रेड कलर है, दोनों फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर रही हैं, किसमें एनर्जी ज़्यादा होगी? ये याद रखना पड़ेगा, ब्लू लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड से ज़्यादा होती है। अगर ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उस केस में ब्लू की एनर्जी भी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो भी हायर एनर्जेटिक निकलेगा। तो एनर्जी से आंसर आए, फ्रीक्वेंसी से आंसर आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कलर की ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उसकी एनर्जी भी फोटोन की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम फोटो सेंसिटिव सरफेस व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड बाय ग्रीन लाइट, बट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट जब वो येलो लाइट से उसके ऊपर गिरी गई। तो मतलब वो कह रहा है कि ग्रीन लाइट ने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन किया लेकिन येलो लाइट ने नहीं किया। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ग्रीन लाइट कहाँ पर, ये रही, ग्रीन लाइट ने एमिशन किया, येलो ने एमिशन नहीं किया।
कह रहे बताओ अगर मैं रेड लाइट घेरूंगा तो क्या इमिशन होगा या नहीं होगा। आपको याद रखना पड़ेगा जो फ्रीक्वेंसी होती है रेड की वो येलो से क्या होती है, कम। सभी कलर की फ्रीक्वेंसी याद करनी पड़ेंगी, किसकी ज़्यादा किसकी कम। अब जो ये रेड है उसकी फ्रीक्वेंसी येलो से कम होती है। अब येलो तो पहले इमिशन कर नहीं पा रहा तो ऑब्वियसली रेड तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी येलो से भी कम है। लेकिन जो दूसरा कलर है ब्लू, ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ग्रीन से ज़्यादा होती है। अब ग्रीन तो कर पा रहे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी ब्लू की तो ग्रीन से भी ज़्यादा है, तो ग्रीन भी ब्लू भी कर पाएगा। बस ऐसे आंसर देने हैं आपने इसमें। तो बाकी इसमें सेम क्वेश्चन है, मींस ये जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, ये रहा। व्हाई फोटो सेल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक आई। फोटो सेल को इलेक्ट्रिक आई भी बोलते हैं क्योंकि फोटो सेल डिफरेंशिएट कर पाता है बिटवीन वीक एंड इंटेंस लाइट। कौन सी वीक लाइट है, कौन सी इंटेंस। क्योंकि इंटेंस लाइट होगी, ज़्यादा फोटोन्स होंगे तो ज़्यादा करंट फोटो सेल में से निकलेगा और वीक नहीं कर पाएगा, तो ये देख पा रहा है किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है किसकी इंटेंसिटी कम है। इसलिए ये मैंने बता दिया, आज के टेस्ट में भी बता दिया बिल्कुल क्लियरली। आप देखो मेरा मोटिव ये नहीं छुपाने का नहीं है, मेरा मोटिव है आपको याद करके लिखूँ। तो क्या डाला मैंने, यही क्वेश्चन डाला है, राइट द बेसिक फीचर ऑफ फोटोन्स पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑन विच आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रो इक्वेशन इज बेस्ड। कराया था ना फोटोन पिक्चर, ये वही इसके पॉइंट्स हैं। तो इसके अंदर जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर से सेम क्वेश्चन आया हुआ है, फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेम। हाँ, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है। हमने लास्ट टाइम ग्राफ प्लॉटिंग की थी, हमने ग्राफ को प्लॉट किया था। क्या ग्राफ बनाया था हमने, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ था, फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ था। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में क्या ग्राफ बनाने को दे दिया, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो मेरे को ग्राफ किस में बनाना है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन जिसका इंटरसेप्ट क्या बनेगा, माइनस डब्ल्यू नॉट, यानी कि नेगेटिव डब्ल्यू नॉट नीचे की तरफ डब्ल्यू नॉट, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनेगा जैसा कि हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का बनाया था। तो एक तो ग्राफ हो गया, फिर वो कह रहा है इस ग्राफ से बताओ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर मैं कंपेयर करूँ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो वाई एक्सिस में तो के मैक्स है, एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी इसमें, एच आएगी। तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी इसमें, एच आएगी, स्लोप इज इक्वल टू एच। तो ये याद रखना, हमने जो ग्राफ लास्ट टाइम किया था वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, उसमें स्लोप क्या आई थी, एच बाई ई आई थी। इसमें स्लोप क्या आ गई, सिर्फ एच आ गई इक्वेशन और मैथमेटिक्स इक्वेशन से। अब इसकी स्लोप क्या है, इसकी जो स्लोप है वही आपको क्या दे रही है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। तो पूछ रहा है कि प्लैंक कॉन्स्टेंट कैसे निकालोगे, आप लिख देना बाई कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट देगा आपको इसकी स्लोप। फिर कह रहे हैं वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे, वर्क फंक्शन की जो स्लोप इंटरसेप्ट देगा वही आपका क्या माना जाएगा, वर्क फंक्शन माना जाएगा। तो ये डब्ल्यू नॉट ही वर्क फंक्शन है, बातें खत्म है। तो ग्राफ हो गया इसमें, और नेक्स्ट है ये ग्राफ हमने किया हुआ है। ये देखो इस ग्राफ को देखो, इस क्वेश्चन को देखो एक बार। इसमें ये गिवन है, व्हेन अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल
इज रेडिएटेड विद अ लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वी मैक्स गिवन है. स्क्वेयर ऑफ वी मैक्स स्क्वेयर इज ऑब्जर्व टू वेरी विद फ्रिक्वेंसी एज पर ग्राफ. तो इसमें तो ग्राफ दे रहा है आपको, तो आपको किसका किसका ग्राफ दे रहा है, वेलोसिटी स्क्वेयर का और फ्रिक्वेंसी का. हमने अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रिक्वेंसी का ग्राफ किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रिक्वेंसी का ग्राफ और वेलोसिटी स्क्वेयर और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ एब्सोल्युटली सेम ही तो बनेगा. तो इसमें एक काम करना है आपने, ये वैल्यू आपको एन गिवन है, ये वैल्यू आपको एल गिवन है, आपको इसमें निकालना है एक तो प्लैंक्स कांस्टेंट और एक वर्क फंक्शन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एन एल और एम. तो रूल नंबर वन, आप मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इसके इक्वल है, आप वेलोसिटी स्क्वायर एक तरफ 2m राइट की तरफ ले जाएं तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास. इसके अंदर v स्क्वायर क्या है, y एक्सिस है, फ्रीक्वेंसी क्या है, x एक्सिस है, तो बचा हुआ पार्ट क्या है आपका, स्लोप है. तो इसमें स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें स्लोप की वैल्यू आ रही है 2h डिवाइडेड बाय m. क्या स्टेप क्लियर है, ठीक है. तो स्लोप आ गई इस फॉर्मूले के ग्राफ के अकॉर्डिंगली. लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ में टैन थीटा स्लोप होती है, थीटा यहाँ की बजाय यहाँ से निकाल लो एक ही बात है, तो टैन थीटा यानी कि यहाँ से स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, एल अप डिवाइडेड बाय एन. तो स्लोप दो तरीके से निकल गई, एक इक्वेशन से और एक ग्राफ से. तो इसे इक्वेट कर दो, 2h बाय m की वैल्यू क्या आएगी, एल बाय एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लैंक्स कॉन्स्टेंट निकाल लेना, तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की ये वैल्यू आ जाएगी आंसर, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट आ गया. क्लियर है यहाँ तक, तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो इक्वेट कर लेंगे. फिर वो कहेगा वर्क फंक्शन निकाल लो, हाँ तो वर्क फंक्शन निकाल लो ना, ये जो टर्म होती है एल, एल इंटरसेप्ट है, और हमारा इंटरसेप्ट क्या आया हुआ है, हमारा इंटरसेप्ट है 2w नॉट डिवाइडेड बाय m. इक्वेशन से इंटरसेप्ट इसके इक्वल है, हमारा इंटरसेप्ट इसके इक्वल है, और ये कितना है l, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क फंक्शन की वैल्यू आएगी m l डिवाइडेड बाय 2 इज द आंसर. आंसर तो आपको वर्क फंक्शन निकालना है, तो आप इंटरसेप्ट निकाल के उसको इंटरसेप्ट के इक्वल कर देंगे, तो वर्क फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड. तो समझ में आ रहा है कि ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर में एक्सपेक्ट ना करें कि मैंने चार क्वेश्चन बोले उसमें एक क्वेश्चन आएगा, ये एक्सपेक्ट करें कि कुछ भी इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है इस टाइप से भी. तो आपको एक लेवल की तैयारी पहले बेसिक करनी है, जब क्लास में नॉर्मल टॉपिक्स करते हैं, फिर आपको पॉलिशिंग करनी है इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर करके. तो मैं लिस्ट भी दूंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बना के कुछ अभी इस महीने, तो आप CBSE जब NCERT की तैयारी करेंगे तो एटलीस्ट वो चेकलिस्ट आप चेक कर लें, कहीं वो क्वेश्चन छूट ना जाए आपसे, उनमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे फॉर प्रैक्टिस. तो आप तैयारी करेंगे तो एक बार नज़र मार लेना उसमें, राइट, बोर्ड से पहले एक बार नज़र मार के जाना, ठीक है. तो ये क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, 14th आया हुआ है ये भी बोर्ड में मेरे को लगता है, हाँ CBSE सैंपल पेपर में आया हुआ है कभी.
इसके अंदर देखो क्या है, फिगर 11.23 ए शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट विद फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर टू डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटीरियल M1 एंड M2। M1 M2 मटीरियल है, ये वी है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसके दो ग्राफ इसने बना के दिए हुए हैं। वॉट आर दी वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन फॉर M1 एंड M2? देखो ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो वर्क फंक्शन क्या होगा, एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच इंटू न्यू, एच इंटू न्यू आ गया वर्क फंक्शन। फिर उसके बाद क्या करना है, वैल्यूज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये आंसर आ गया, वर्क फंक्शन को निकाल लोगे। अब वैल्यूज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू थ्री, कहते हैं नई फ्रीक्वेंसी ले आया, न्यू थ्री नई फ्रीक्वेंसी ले आया, और इसके लिए वो कह रहे हैं अगर न्यू थ्री नई फ्रीक्वेंसी जो कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी से बड़ी है तो दोनों मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो होगा, पक्की बात है, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन तो भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, तो पहले मेटल में स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 है और दूसरे के अंदर V2 है, शो दैट स्लोप ऑफ द लाइंस इक्वल टू इसके इक्वल, तो इसकी लाइंस की स्लोप इसके इक्वल प्रूव करो। तो रूल नंबर वन, आप ये न्यू थ्री ड्रॉ करें, यहाँ पे आप इसमें न्यू थ्री के कॉरस्पॉन्डिंगली बी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ऊपर जाके स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 है, तो ये ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब आप एक काम करें, स्लोप निकाल लें, स्लोप निकाल लिया किसी भी लाइन की, चलो इसकी स्लोप निकालते हैं, इसकी स्लोप क्या होगी, टेन थीटा, ये रहा टेन थीटा, तो इसकी स्लोप विल बी इक्वल टू, यहां से टेन थीटा निकलेगा, हाइट क्या है इसकी, V1 माइनस V2, परपेंडिकुलर आ गया V1 माइनस V2, और बेस क्या है इसका, जो ये बेस है वो तो न्यू थ्री माइनस पता नहीं क्या है, एक काम करो ये पैरलोग्राम है, ये और ये साइड्स बराबर है, तो न्यू 02 माइनस न्यू 01 आंसर, क्योंकि ये बेस और ये बेस बराबर है आंसर, ऐसे प्रूव करना है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे प्रूव करना है इसे, तो ये भी CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के लिए भी बिल्कुल एलिजिबल है, ऐसा क्वेश्चन कुछ ना कोई ट्रिक फंसा लेगा इसमें, वो स्लोप में, तो समझ में आ रहा है यहाँ तक ठीक।